नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कानपुर देहात के पास रूरा में रेल हादसा, 15 डिब्बे पटरी से उतरे। सियालदाह से अजमेर जा रही थी ट्रेन, हादसे में 68 लोगों के घायल होने की खबर। नोटबंदी का 50वां दिन आज, 500 और 1000 के नोट रखने पर अब जुर्माना लगाने की तैयारी। आज सरकार ने बुलाई कैबिनेट की मीटिंग, जुर्माना लगाने के अध्यादेश पर लग सकती है मुहर। करदाताओं को नए बजट में मिल सकती है टैक्स में भारी छूट, नीति आयोग की बैठक में अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी को दी सलाह। नोटबंदी को लेकर बिहार में फिर सामने आई महागठबंधन में फूट, आज आरजेडी के विरोध प्रदर्शन में नहीं शामिल होंगे जेडीयू और कांग्रेस। नोटबंदी के बाद काम न मिलने पर गाजियाबाद में एक शख्स ने की खुदकुशी, बच्चों की फीस जमा न कर पाने से परेशान था युवक। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कलमाड़ी और अभय चौटाला को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर उठ रहे हैं सवाल। सीडब्ल्यूजे घोटाले में आरोपी है कलमाड़ी, चौटाला पर है आय से अधिक संपत्ति का आरोप। और आतंकी हाफिज सईद ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, पाकिस्तान सरकार से कहा भारत से ना करे दोस्ती, कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा अत्याचार करने का लगाया आरोप। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।